तो नमस्कार। पप्पू भड़तौल बीजेपी के बिथरी चैनपुर से विधायक, जब से लॉकडाउन लगा है शायद ही किसी दिन उनका सेवा कार्य ना हुआ हो। कभी वो खुद राशन और जरूरी चीजें लेकर क्षेत्र में निकलते हैं मेटाडोर को लेकर, जिसमें भरा होता है सामान, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, राशन, आटा, चावल, तेल, साबुन, चाय पत्ती, चीनी के पैकेट्स रहते हैं। और वो कार्य भी पप्पू भड़तौल बीते करीब 1.5-2 महीने से लगातार, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से कर रहे हैं। और आज जिस खबर पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं, जिस खबर को आप देखने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे कि विधायक पप्पू भड़तौल, उनकी पत्नी और बेटे विक्की भड़तौल ने किस तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए पीले रंग के छाते वितरित किए हैं। जी हां, वो छाते जिनको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सरकारों ने पसंद किया और अपने यहां राशन की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें जो लगती थी उनमें अनिवार्य कर दिया गया कि छाता लेकर लाइन में खड़े होना पड़ेगा। ऐसी ही जरूरी डिस्टेंसिंग जहां जहां बननी है वहां छाता लेकर ग्राहकों को आना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे से करीब 2 मीटर की दूरी बरकरार रहे, क्योंकि छाते की तीलियों की वजह से लोग स्वतः ही डिस्टेंस बनाए रखेंगे। ये सोच विधायक पप्पू भड़तौल की थी, उनकी ही दिमाग की उपज थी। बीते दिनों एक खबर भी हमने दिखाई थी जिसमें पप्पू भड़तौल ने इस नायाब नुस्खे को ईजाद करते हुए इसकी जानकारी दी थी। खुद छाता लगा के अपने जनता दरबार में बैठे भी थे। आज उन्होंने जनता को राशन के किट के अलावा घर जाते समय एक एक पीले रंग के छाते भी वितरित किए हैं। देखिए हमारी संपूर्ण रिपोर्ट, जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास खास खबरें। आज हमने छाता वितरण किया, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन, ताकि लोगों से निवेदन किया कि लोग जो हैं घरों से जब भी निकले तो छाता लगा के निकलें। यही हमारी पूरी बरेली वासियों से अपील है, पूरे प्रदेश वासियों से, कि अगर छाता हाथ में होगा तो धूप और गर्मी दोनों से बचाव बरसात से भी होगी, और दूसरे कोई व्यक्ति अगर पड़ोस में चलेगा तो वो आपसे टच नहीं होगा, आपसे दूरी रहेगा, तो पता नहीं बराबर चलने वाला व्यक्ति कोरोना मरीज तो ना। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, सभी देशवासियों, कई प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू हुई, तेलंगाना है, आंध्रा है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, तो इसमें बहुत सारे देश हैं, प्रदेश हैं जिसमें ये व्यवस्था लागू हो गई है कि कोरोना के टाइम में छाता लगा के चलें तो एक दूसरे से टच नहीं हो। बस मेरा यही देशवासियों से निवेदन है, प्रदेशवासियों और अपने जिला के लोगों से निवेदन है कि भाई छाता लगा के चलें, ताकि सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो, ताकि कोई व्यक्ति एक दूसरे से टच ना हो और सुरक्षित अपने घर को पहुँचे। हेलो, हाँ हाँ फिर आ सकता।